नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। दोस्तों, आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि जो महिला अपने परिवार में कभी बहू बन के आती है वही सास होती है, यानी कि सास भी कभी बहू होती है। इतनी बड़ी बात जब हर औरत को पता होती है तो वो फिर अपनी बहू के साथ सही तरीके से व्यवहार क्यों नहीं करती। अक्सर मैं इस बात को सोचती हूँ कि हर महिला बहू बन के आती है, फिर आगे समय बदलता है तो उसकी भी बहू आती है, लेकिन वो अपनी बहू के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। मैं सभी के लिए ये बात नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ, ज़्यादातर को मैंने देखा है कि वो ठीक से उनका व्यवहार नहीं होता और एक बात बहू को भी ये सोचनी चाहिए कि अगर उसकी सास है तो वो बहू है, और सास भी ये सोचे कि अगर उसकी बहू है तो वो सास है, नहीं तो फिर वो सास नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसी ही सास की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है रेशमा। घर में उसकी तैयारियाँ चल रही होती है, बाहर सब लोग बारात के आने की तैयारी कर रहे थे और जो सास है वो अपनी पुरानी यादों में खो जाती है, क्योंकि 30 साल पहले वो इसी घर में बहू बन के आई थी। मन में हजारों तरह के सपने थे, थोड़ा सा डर भी था, अनजान लोगों के बीच कैसे रहेगी ये विचार उसके मन में भी आ रहा था, और बहुत सारी बातों से, बहुत सारे व्यवहार से वो बिल्कुल अननोन थी, अनभिज्ञ थी। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचती है, सास उसकी आरती उतारती है। ये वो सास है जो सोच रही है। सास आरती उतारती है और घूंघट जो है उसका गले तक, यहाँ तक उसका घूंघट होता है, क्योंकि ये एक पूरी पहले की बात है, और घूंघट के अंदर से ही वो महसूस कर पाती है बहुत सारी नज़रों को, जो उसके गहने वगैरह देख रही थी, उसने क्या क्या पहना हुआ है, और दहलीज पार करते ही सारी भीड़ उसे घेर लेती है। ससुराल में नई बहू की हालत एक चिड़ियाघर के जानवर से कम नहीं होती, सभी का आकर्षण का केंद्र होती है। जैसे ही वो कमरे में पहुंचती है, रिश्तेदारों की टोली भी उसके साथ पहुँच जाती है। काफ़ी अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करती है, कहीं एकांत खोजती है कि मैं थोड़ा सा अपने लिए सांस लूं, लेकिन भीड़ इतनी होती है कि वही भीड़ में ही सहमी हुई बैठी रहती है, और जो उसको ब्याह के लाया था पति वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी उसे बेहद ज़रूरत थी। और एक चीज़ और है, वो वहाँ आता भी कैसे, अगर वो अपनी बहू के पास उस समय बैठ जाता तो लोग उसका मजाक उड़ाते। अच्छा, ऐसे में सब उसे घूरे जा रहे थे, उसकी जो नज़रें थी काफ़ी अनकंफर्टेबल वो महसूस कर रही थी सबकी नज़रों को। इन्हीं नज़रों में एक बुआ की नज़र भी थी, जो नज़रों ही नज़रों में उसके गहने तोल रही थी। इतने में बहू की सास भी आ जाती है, और जो बहू होती है चुपचाप बातें सुन रही होती है। बुआ ने कहा कि बहू के मायके से गहने बड़े हल्के लग रहे हैं। तभी जो सास होती है उसकी, उसने जवाब दिया, हमने तो कुछ मांगा नहीं था, सोचा था अपने मन से ही दे देंगे। नंदनी की शादी में हमने कितने भारी भारी गहने बनवाए थे, नंदनी जो उनकी बड़ी बेटी थी, यानी कि जो बहू अभी आई है उसकी बड़ी ननद। और ये वार्तालाप सुन करके
वो अंदर से बड़ी सहम जाती है, और सहमती भी क्यों नहीं कि उसकी नज़रों के सामने ही, उसके सामने ही उसके मायके वालों को इतना नीचा दिखाया जा रहा था। उसे लग रहा था कि उसके सपने जैसे टूटते हुए से नीचे गिर रहे हैं। कुछ बोल नहीं पाई थी, सिर्फ आंखों में आंसू आ गए थे। नए घर के माहौल में ढलने की कोशिश करने लगी थी, और पहली बार जब वो खाना बनाने रसोई में गई तो उसके साथ कोई नहीं आया था। लेकिन वो खाना बनाना जानती थी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि इस घर में किस तरीके का खाना पसंद किया जाता है। कई लोग मसाले ज़्यादा खाते हैं, कई कम खाते हैं। अब जब उसने खाना बनाया तो सबका मुँह बन गया। इतना मसालेदार खाना हम तो नहीं खाते, बाप रे बाप, मिर्च की सब्जी बना दी है। अरे रिफाइंड तेल में क्यों नहीं, सरसों के तेल में सब्जी बनानी थी, ये लोग घी की जगह तेल से तड़का लगा दिया। और जो सास थी वो भी हाँ में हाँ मिला रही थी। अब नई बहू को तौर तरीके सिखाने की बजाय उसको ताने मिल रहे थे। सास से कुछ कहती तो वो अपनी सास के बारे में बताने लग जाती, अरे हमारे सास तो बहुत इस तरीके की बात करती थी, हमने तो बहुत कुछ सहा, हमारी तो सास हमें पता नहीं क्या क्या सुनाती थी। ये सब चीज़ें वो सोच रही थी कि तभी वो जो सास 30 साल पहले की बातें सोच रही थी, उसकी ननद आकर के उसको कहती है कि भाभी जल्दी से पूजा की थाली लेके आओ, बारात आ गई है। यानी कि उसकी अपनी बहू की अब उसको आरती उतारनी थी। उसकी ननद ने उसकी तंद्रा तोड़ी, क्योंकि वो 30 साल पहले की यादों से बाहर आकर के अपने बेटे सूरज और बहू ज्योति के लिए पूजा की थाली लेकर के तैयारी में लग गई। दरवाजे पे खड़ी बहू को देख करके उसे लगा कि जैसे 30 साल पहले अपने आप को देख रही थी उस बहू में। खैर, उसने अपनी बहू की आरती उतारी, बहू ने पैर छुए, दिल भराया, और सास ने यानी कि रेशमा ने दोनों को गले से लगा लिया। अंदर आते ही बहू और बेटे को कमरे में आराम के लिए भेज दिया, ताकि दोनों को थोड़ा सा अपने लिए समय मिल जाए। और रेशमा ऐसा कोई गलत काम नहीं करना चाहती थी जो 30 साल पहले उसकी सास ने उसके साथ किया था। सब रिश्तेदार बहू के घर से आए सामान में मीन में एक निकाल रहे थे, तो रेशमा ने कह दिया, अरे सामान से ज़्यादा कीमती तो बहू है, हमने तो कुछ मांगा ही नहीं था, फिर भी उन्होंने इतना कुछ दे दिया। रेशमा के इस जवाब से रिश्तेदारों पे क्या फ़र्क पड़ा ये तो रेशमा नहीं जानती, लेकिन बहू अपनी सास की ये बात सुन करके अंदर से गदगद हो गई थी, और उसका जो प्यार था सास के लिए, सम्मान था, वो बढ़ गया। रसोई पूजा के समय बहू ने खीर बनाई तो रेशमा वहीं खड़ी रही, उसकी मदद करने लगी। उसे ये एहसास नहीं होने दिया कि ये उसका ससुराल है जहाँ सास सिर्फ शासन करती है। और ये मानिए कि ज्योति यानी कि वो बहू पहले ही दिन अपनी सास रेशमा से इतनी घुल मिल गई कि वो मजाक मजाक में कह भी रही थी कि मम्मा मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि आप और लोगों की सास की तरह होंगे, आप तो मेरी मम्मा से भी अच्छे हो। और रेशमा उसके सिर पे प्यार से हाथ फेर के कहती है, बेटा मैंने बहू से सास बनने तक का सफ़र तय किया है, इसलिए मुझे पता है कि बहू की क्या ख्वाहिश होती है और सास के क्या कर्तव्य होते हैं। आप दो चीज़ें देखिए कि बहू की क्या ख्वाहिश होती है और सास के क्या कर्तव्य होते हैं। और आज रेशमा और उसकी बहू ज्योति दोनों मिलके काम करते हैं। कोई कहता ही नहीं है कि ये सास बहू हैं, सब कहते हैं कि ये दोनों तो बिल्कुल माँ बेटी की तरह लगते हैं। और ये सुनकर के रेशमा बड़ी खुश होती है। दोस्तों, ये जो कहानी मैंने आपको शेयर की आपके साथ, आपके मन में विचार आ रहे होंगे कि बहू, ऐसी बहू बहुत किस्मत वाली होती जिसे रेशमा जैसी सास मिले। लेकिन मैं इतना कहूँगी कि क्यों ना हम भी आगे चल करके अच्छी सास बने। आप एक बेटे की माँ तो है ही, साथ में जो आने वाली लड़की है, जो बहू है, उसकी भी माँ बन जाइए, एक अच्छी शुरुआत दीजिए उसको। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, और हर बहू को कभी ना कभी सास बनना है। बदलाव
हमें खुद से करना चाहिए और सास को एक अच्छी बहू मिले, हर बहू को एक अच्छी सास मिले, इस कहानी का लव लुभाव यही है। तो दोस्तों ये कहानी छोटी सी है लेकिन इसमें सीख बहुत बड़ी है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा मेरे कमेंट बॉक्स में। ये हल्की फुल्की सी कहानी है, रिश्तों को जोड़ती हुई कहानी है, घर घर की कहानी है, क्योंकि हर घर में एक बहू आती है फिर वो सास बनती है, यानी कि सास भी कभी बहू।